ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साढ़े गुरु साहबान ने सानू जिथे पानी की संभाल करने का उपदेश दिता है, हवा की गुणवत्ता बनाई रखने की सिक्ख्या दी है, उत्थे धरती को हरिया भरिया रखने वास्ते उन्होंने वध तो वध रुख लाने की भी जी है प्रेरणा दी है। आप भी उन्होंने बाग लाए है, रुख लाए है और सिखा भी कहा है कि इस धरती को जोड़ा है वो हरिया भरिया रखना साढ़े इंसानों की जिम्मेवारी है, क्योंकि हरी भरी धरती ही सानू जोड़ा है वो हरा भरा रखने के लिए सहाय होंगी है। गुरु साहिबान के इस महान उपदेश को साकार रूप देने वास्ते दुनिया भर के सिख जथेबंदियां संस्थावां वध तो वध रुख लाउंदियां ने और इसे लड़ी तहत अज तक श्री दमदमा साहब के स्थान के उत्ते वड्डी गिणती के रुख लाने की जिहड़ी है वो शुरुआत की गई है। मालवा वैलफेयर क्लब वालों साडा सहयोग दिता गया। टर्मी एरिया जिहड़ा हैगा बहुत वड्डी तादाद में इत्थे तक श्री दमदमा साहब के स्थान के उत्ते लगाया गया। बहुत ही साढ़े सत्कारयोग बाबा सेवा सिंह जी खडूर साहब वाले जिहड़े कि रुख लाने वाले पासे बहुत ज़्यादा प्रेरणा भी दे रहे हैं, रुख भी ला रहे हैं, उन्होंने वालों भी 700 के करीब सानू जिहड़ा बूटा भेजा गया जिहदे विच निम है, साल है, अमरूद है और गुलाबी तोन है, कदम है, ये बूटे जिहड़े अर्जन है, सुखचैन है, ये बूटे सानू जिहड़े भेजे गए हैं जिहड़े असी मालवा वैलफेयर क्लब के सहयोग के नाल ते साडे जिहड़े होर साडे सहयोगी वीर उन्हां दे सहयोग दे नाल असीं तख्त श्री दमदमा साहब दे स्थान दे उत्ते आउण वाले 5-4 दिनां दे विच लावांगे। ते मैं इहो ही कहना चाहुंदा कि धरती नूं हरिया भरिया रखीए, क्योंकि जिन्ना इंसान कुदरत दे नाल सहज होकर जिंदगी जीएगा उन्ना ही इंसान जिहड़ा है वो तंदुरुस्त रहेगा, खुश रहेगा, खुशहाल रहेगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडे गुरु साहिबान ने सानू जिथे पानी की संभाल करने का उपदेश दिता है, हवा की गुणवत्ता बनाई रखने की सिक्ख्या दी है, उत्थे धरती को हरिया भरिया रखने वास्ते उन्होंने वध तो वध रुख लाने की भी जी है प्रेरणा दी है। आप भी उन्होंने बाग लाए है, रुख लाए है और सिखा भी कहा है कि इस धरती को जोड़ा है वो हरिया भरिया रखना साढ़े इंसानों की जिम्मेवारी है, क्योंकि हरी भरी धरती ही सानू जोड़ा है वो हरा भरा रखने के लिए सहाय होंगी है। गुरु साहिबान के इस महान उपदेश को साकार रूप देने वास्ते दुनिया भर के सिख जथेबंदियां संस्थावां वध तो वध रुख लाउंदियां ने और इसे लड़ी तहत अज तक श्री दमदमा साहब के स्थान के उत्ते वड्डी गिणती के रुख लाने की जिहड़ी है वो शुरुआत की गई है। मालवा वैलफेयर क्लब वालों साडा सहयोग दिता गया। टर्मी एरिया जोड़ा हैगा बहुत वड्डी तादाद में इत्थे तक श्री दमदमा साहब के स्थान के उत्ते लगाया गया। बहुत ही साढ़े सत्कारयोग बाबा सेवा सिंह जी खडूर साहब वाले जिहड़े कि रुख लाने वाले पासे बहुत ज़्यादा प्रेरणा भी दे रहे हैं, रुख भी ला रहे हैं, उन्होंने वालों भी 700 के करीब सानू जिहड़ा बूटा भेजा गया जिहदे विच निम है, साल है, अमरूद है और गुलाबी तोन है, कदम है, ये बूटे जिहड़े अर्जन है, सुखचैन है, ये बूटे सानू जिहड़े भेजे गए हैं जिहड़े असी मालवा वैलफेयर क्लब के सहयोग के नाल ते साडे जिहड़े होर साडे सहयोगी वीर है उन्हां दे सहयोग दे नाल असीं तख्त श्री दमदमा साहब के स्थान के उत्ते आउण वाले 5-4 दिनां दे विच लावांगे। ते मैं इहो ही कहना चाहुंदा कि धरती नूं हरिया भरिया रखीए, क्योंकि जिन्ना इंसान कुदरत दे नाल सहज होकर जिंदगी जीएगा उन्ना ही इंसान जिहड़ा है वो तंदुरुस्त रहेगा, खुश रहेगा, खुशहाल रहेगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।